नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा बजट का सत्र दौर चल रहा है और इसी बीच सत्र में ही सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है। राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस अपने 40 और दो निर्दलीय समेत 3 अन्य विधायकों के समर्थन के साथ आ गई थी। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए तो नंबर गेम बदल गया। वोटों का गणित ऐसा बैठा कि कांग्रेस न सिर्फ उस सीट से हारी है जिस पर उसकी जीत तय थी, बल्कि अब सुक्खू सरकार के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। विधानसभा का नंबर गेम ऐसा उलझ गया है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर एक्शन लेने से कांग्रेस कतरा रही है, तो वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक मोड़ पर आ गई है। हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सुबह सुबह ही राजभवन पहुंच गए। जयराम ठाकुर ने कहा कि हम फाइनेंस बिल से पहले डिवीजन वोटिंग चाहते हैं। उन्होंने पहले भी ज़रूरत के समय ये मांग उठाए जाने पर हवाला दिया और ये भी कहा कि स्पीकर इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। जयराम ठाकुर बीजेपी विधायकों के साथ लेकर राजभवन पहुंचे थे। वो डिवीजन ऑफ वोटिंग की बात तो कर रहे हैं, बीजेपी विधायकों के सस्पेंशन की आकांक्षा भी जता रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई है, लेकिन उन्होंने ना तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात कही और ना ही स्पीकर को हटाने की। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और उसके बाद 6 विधायकों के बीजेपी की सरकार वाले हरियाणा के पंचकुला पहुँच जाने को ऑपरेशन लोटस से जोड़कर देखा जा रहा है। नंबर गेम भी फंस गया है, लेकिन विपक्ष सरकार को बहुमत साबित करने की चुनौती देने की जगह डिवीजन वोटिंग की डिमांड कर रही है, तो उसके पीछे क्या है? जयराम ठाकुर डिवीजन वोटिंग की डिमांड कर रहे हैं तो ये फूक फूक कर कदम रखने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और 3 विधायकों की सरकार के साथ छोड़ गए, लेकिन इन सब के बावजूद विधानसभा का नंबर गेम टाइट है। कांग्रेस के पास अब भी स्पीकर समेत 34 विधायकों का समर्थन है। अब अगर डिवीजन वोटिंग होती है तो सरकार के पास 33 वोट होंगे और विपक्ष को ये उम्मीद है कि 34 वोट के साथ प्रस्ताव गिर जाएगा। ऐसे में विधानसभा से ये संदेश चला जाएगा कि सुक्खू सरकार अल्पमत में है। इस स्थिति को समझने के लिए विधानसभा के नंबर गेम की चर्चा जरूरी है। हिमाचल विधानसभा की स्ट्रेंथ की बात करें तो 68 विधायक हैं, जिनमें से 40 विधायक कांग्रेस के हैं, जिनमें 6 विधायक ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। ये सभी विधायक हरियाणा के पंचकुला स्थित एक होटल में है, जिसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप भी लगाया है कि हरियाणा पुलिस ने हमारे विधायकों को किडनैप कर लिया है। कांग्रेस के अपने विधायक की संख्या बागियों को हटा दें तो 34 पर आ गई है। 2 निर्दलीय समेत 3 अन्य विधायकों ने भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट किया था। बीजेपी के 25 विधायक हैं और कांग्रेस की 6 बागियों के साथ 3 अन्य को भी जोड़ ले तो सरकार के खिलाफ यानी जो विधायक फिलहाल विपक्ष में नजर आ रहे हैं उनके तादाद भी सत्ता पक्ष के बराबर 34 ही है। हाल ही में बिहार का सत्ता परिवर्तन हो गया। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक पुराने घटनाक्रम इस तरह के हालात में सबसे पहले निशाने पर स्पीकर होता है। विपक्षी पार्टियों सत्ता परिवर्तन से पहले अपना स्पीकर बनाने की कवायद शुरू करती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हालात उल्टा नजर आ रहा है। विधानसभा में नंबर गेम ऐसा फंसा है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस सियासी लड़ाई में अन्य राज्यों की तरह स्पीकर का आसान सेंटर पॉइंट नहीं है। इस समय स्पीकर कांग्रेस के हैं और उनके आसन पर रहने की स्थिति में बागियों को हटा दें तो सुक्खू सरकार के पास 33 विधायक का समर्थन बचता है, और अगर कांग्रेस के बाकी निर्दलीय डिवीजन वोटिंग के दौरान भी बीजेपी के साथ जाते हैं तो विपक्ष में 34 वोट हो जाएंगे। ऐसे में विपक्षी विधानसभा से यह संदेश देने में सफल रहेगा कि सरकार अल्पमत में है। हो सकता है कि बीजेपी फाइनेंस बिल पर वोटिंग में कौन साथ है कौन खिलाफ, इसका आकलन करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाए।
इस स्थिति में भी बीजेपी बहुमत परीक्षण तक आसान खेमे का स्पीकर बनाना नहीं चाहेगी, क्योंकि स्पीकर के आसन पर जिस पार्टी का विधायक होगा उसका संख्या बल एक कम हो जाएगा। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस के स्पीकर को हटाकर बीजेपी अगर अपना स्पीकर बनाती है तो फिर बीजेपी का संख्या बल 33 हो जाएगा और कांग्रेस नंबर गेम में एक आगे यानी 34 पर पहुंच जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस वोटिंग झांकी है, बीजेपी की रणनीति अब कांग्रेस के और विधायकों को भी अपने पाले में लाने की होगी। कांग्रेस की बागी 6 विधायक अगर दल बदलते हैं तो उनको दल बदलने अधिनियम के तहत आयोग ठहराए जाने का खतरा भी है। अयोग्यता की कार्यवाही से बचने के लिए 2/3 यानी कांग्रेस के कुल 27 विधायकों के पाला बदल की जरूरत होगी, जो कि मुश्किल माना जा रहा है। फिलहाल इस फेरबदल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।